आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात। YouTube के सबसे बेहतरीन इस्लामिक चैनल इस्लाम एडवाइज़र में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र के रोज़ बा रोज़ बढ़ते हुए सब्सक्राइबर से इस बात का अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि आप सब हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को कितना पसंद फरमा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे नीचे बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो हमारी आने वाली मज़ीद इस्लामिक वीडियोस हैं वो आप तक बरवक़्त पहुंच सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, किसी भी किस्म के इस्लामिक वज़ाइफ़ या इस्लामिक मालूमात के लिए आप हमसे हमारे फ़ेसबुक पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारी वीडियोस पर कमेंट्स करें, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों, वजीफे पर जाने से पहले आप सब मेरे साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अकदस पर दुरूद पाक पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदकल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, वजीफे को पूरे यकीन के साथ किया जाए तो तब ही उसका फ़ायदा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमारे वज़ाइफ से फ़ायदा हो तो 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ें और हर वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ करें। इंशाल्लाह हम जो भी वज़ाइफ आपके साथ शेयर करेंगे उसे पूरी ईमानदारी और फ़राग दिली से करेंगे, जिनसे आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आएँगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज जो वजीफ़ा हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो अपना घर हासिल करने के हवाले से है कि हम वो कौन सा अमल करें जिसके करने से हम अपना एक ज़ाती घर हासिल कर सकें। तो दोस्तों, करना ये है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ़ और फिर 100 बार ये आयत करीमा पढ़कर अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको गैबी ख़जानों से अता फरमाएंगे और रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी और हर जायज़ हाजत भी पूरी होगी। आपकी सहूलत के लिए मैं दोबारा अर्ज़ करूं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा आपने बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर ये आयत 100 बार आपने पढ़नी है और अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको गैबी ख़जानों से अता फरमाएंगे और रिज़्क़ और रोज़ी में बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी और हर हाजत पूरी होगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे तमाम वज़ाइफ़ को करने की आम इजाज़त होती है, लेकिन इस वजीफे को करने के लिए आपको ख़ास इजाज़त की ज़रूरत होगी। तो आप में से जो अफराद ये वजीफ़ा करना चाहते हैं वो अपना नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो जो अफराद अपना नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देंगे उन्हें हमारी तरफ से इस वजीफे को करने की इजाज़त होगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे नीचे बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो हमारी आने वाली मज़ीद इस्लामिक वीडियोस हैं वो आप तक बरवक़्त पहुंच सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कॉमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।